नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा के गंजा बसौदा में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आज भव्य समापन हुआ। यह शिविर गंजा बसौदा के नजदीक ग्राम बालरा कला में आयोजित किया जा रहा था। नवांकुर विद्यापीठ के इस राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में छात्र एवं छात्राओं ने 7 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम किए। ग्रामीणों को बताया कि स्वच्छता मिशन किस प्रकार चलाया जाता है, शिक्षा एवं अन्य बातों को लेकर भी शिविर में जन जागरूक किया गया। शिविर के समापन अवसर पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति किया एवं राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के 7 दिवसीय कार्यक्रम पर जानकारी प्रदान की। आज इस 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का समापन हुआ। इस समापन कार्यक्रम में नगर के समाज सेवी कांति भाई साह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। विदिशा से आशीष सहेल की रिपोर्ट। विद्यापीठ के द्वारा यहाँ पर 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने कई प्रकार के कार्य किए, परियोजना कार्य किए और गांव-गांव में हम गए। हमने देखा कि कैसे यहाँ पर लोगों की व्यवस्था है, गांव की क्या व्यवस्था है, क्या सरकार की नीतियाँ चल रही हैं यहाँ पर। साथ ही साथ कई सारे परियोजना कार्य किए, प्रांगण की सफाई की और सोखता गड्ढे का निर्माण किया। कई सारे हमने यहाँ पर बौद्धिक सत्र के कार्यक्रम किए, उसमें कई प्रकार के नृत्य के कार्यक्रम थे, संगीत के कार्यक्रम थे, वक्तव्य के कार्यक्रम थे, कई बच्चों ने अच्छी स्पीच दी और इसी प्रकार संयुक्त कार्यक्रम नवांकुर विद्यापीठ द्वारा किया गया और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा हमारा 7 दिन का और सफल रहा और 7 तक रहा। क्या नाम आपको? मेरा नाम वन शर्मा है और मैं कक्षा 12वीं का विद्यार्थी। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे शिक्षकगणों ने बहुत कुछ सिखाया, गांव में रहना सीखा कि गांव का वातावरण कैसा है, गांव के लोग कैसे हैं, उनके साथ बात करी, उनके विचार सुने कि वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा के बारे में बताया गया, उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई, पर्यावरण संबंधी जानकारी दी गई, महिला सशक्तिकरण उसके बारे में बताया, आसपास के बच्चों के बारे में जानकारी दी, क्या वो अपनी शिक्षा स्कूल में लेते हैं या नहीं लेते हैं, और यहाँ प्रांगण की सफाई करी, सफाई की आगे सोखते गड्ढों का निर्माण किया हमने, और कई सारी चीज़ें जो हमने यहाँ सीखी, बच्चों की मन की जो स्पीच वो लोग दे रहे थे वो सुना हमने कि वो कैसे अपने विचार प्रकट करते हैं। जो बच्चों ने मतलब अभी तक स्पीच वो लोग मंच पे आने से डरते थे, मैं खुद हूँ मंच पे कभी नहीं आती थी, पर मैंने भी यहाँ अपनी स्पीच दी।